हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ग्रामर का सबसे बेसिक पोर्शन होता है, ठीक है ना। ग्रामर में क्या होता है, हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन होता है। नाउन क्या होता है, फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है, फिर क्या होता है, अपना वर्ब होता है, फिर एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव। इन पांच चीज़ों के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या जानते हैं, नाउन है ना। नाउन क्या होता है, पहले हम लोग क्या जानेंगे नाउन के बारे में, ओके। नाउन क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। जो भी हमारा नाउन के अंडर में आता है, नाउन किसी भी, जैसे एग्जाम्पल के, जैसे राम है, क्या हो, राम किसी का नाम है, ठीक है ना। दमन है, दमन एक प्लेस का नाम है, सॉरी दमन पेन हो गया, ये सब क्या है, नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स, यानी किसी भी प्लेस, जगह का नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, है ना। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, किसी भी इंसान का नाम होगा, वो भी क्या होगा, किस में काउंट होगा, वो भी अपना क्या होगा, नाउन होगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। तो नाउन क्या होगा, किसी भी प्लेस, जगह का नाम होगा, पर्सन होगा और थिंग होगा, ठीक है ना। चीज का नाम होगा, कोई भी थिंग्स या वस्तुएं होंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाउन बोलेंगे। तो जो भी हमारे पास दिख रहा है उसको क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। जैसे राम इज गोइंग, ठीक है ना, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। तो राम जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा। नाम आया तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दमन इज अ यूटी, यूनियन टेरेटरी है ना। दमन क्या है, दमन इज अ यूटी। तो दमन क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ नाउन हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज यहां पे क्या लिखा, दिस इज बुक, सपोज लिखा है दिस इज बुक, क्या हो जाएगा यहां पे, दिस इज अ बुक, है ना, यह किताब है। तो बुक क्या होगा, बुक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे, नाउन हो जाएगा। यानी जो भी हमें सारी चीजें इस वर्ड में, संसार में दिख रहा है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, नाउन बोल सकते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। जैसे राम है, दमन है, पेन है, ये सारी चीजें क्या हो गए, नाउन हो गया। तो नाउन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स, इसको क्या बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, है ना। जैसे यहाँ पे क्या, प्लेस, पर्सन और थिंग्स, तो यहाँ पे दमन है, आगरा है, इंडिया है ना, तो ये सारा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये सब चीजें क्या हो जाएगी, जैसे दमन है ना, आगरा है, इंडिया, ये क्या प्लेस है, तो दिस इज अ नाउन। नेक्स्ट वन क्या है, हमारे पास पर्सन है, जैसे राम है, रानी है, कविता है, शिवम है, राज है ना, मोहन है, जो मोदी जी है, जो भी है, तो उनको क्या बोल, किसी भी नाम ले रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चीजें हैं कोई, जैसे टीवी है, मोबाइल है, पेन है, बुक है,
ये सब किसके पार्ट्स हो जाएंगे, दीज आर द पार्ट्स ऑफ नाउन। ओके नेक्स्ट वन हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में क्या होता है, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज करे जाते हैं ना, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, उसको सारा क्या बोला जाएगा, वो नाउन बोला जाएगा, उसको क्या बोले जाएंगे, प्रोनाउन बोले जाएगा। दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्लीज नोट डाउन, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। सपोज यहाँ क्या है, राम इज गोइंग बनारस, राम क्या जा रहा, बनारस जा रहा, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है ना। और प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रोनाउन बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है ना। Those words which are used in place of noun is called pronoun. ऐसे शब्द, those words which are used in place of noun is called pronoun. जैसे he है, she है ना, they है, I है, we है, सब क्या हो जाएगा, pronoun हो जाएगा। Suppose यहाँ पे क्या है, Ram is going. Okay? जैसे यहाँ पे Ram is going, तो अगर ये लिखा जाए she is going. Okay? She is going. वह जा रहा है, ठीक है ना, सी इज गोइंग, सॉरी ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तान्या इज राइट, तान्या इज ईटिंग, सपोज यहाँ पे लिखा जा रहा है तान्या इज ईटिंग, तान्या लिख रही है, ठीक है ना, तान्या की जगह आप लिख सकते हो सी इज रीडिंग, सी इज ईटिंग, सॉरी लिख रही है, खा रही है, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा, सी इज ईटिंग। राम, राम क्या है, एक नाउन है, ओके, और ये क्या है, सी क्या हो जाएगा, ये क्या, प्रोनाउन हो जाएगा, और यहां पे तान्या क्या है, एक नाउन है, ओके। नेक्स्ट वन, सी उसकी जगह यूज किया जाएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, यानी प्रोनाउन हमारे क्या यूज होता है, नाउन की जगह यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ही हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये सारे क्या हैं, दीज आर, दे हो गया, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन, दीज आर नोन एज द प्रोनाउन, इनको क्या बोला जाता है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे सब, दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे सब जो नाउन की जगह यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे उसमें एग्जांपल के लिए क्या, आई है, बी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट, ये सारे क्या हैं, दीज आर द प्रोनाउन। ओके, दीज आर द प्रोनाउन। नेक्स्ट वन हम क्या जानते हैं, वर्ब, हमारा वर्ब क्या होता है, वर्ब, ठीक है ना, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो हमारा किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्टिविटी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे लिखा जाता है एक्शन, एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट, इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि एक्शन, जो भी हमारे पास एक्शन है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हमारे पास क्या है, एक्टिविटी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। राम इज गोइंग, जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। राम इज गोइंग तो क्या हो जाएगा, जाना उसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे राम जा रहा है, तो राम जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उस वर्ब हो जाएगा। ओके, सीता इज रनिंग, सीता दौड़ रही है, क्या हो जाएगा, सीता इज रनिंग, क्या हो जाएगा, राम इज रनिंग लिख सकते हैं, राम इज रनिंग। तो यहाँ पे जो रन करना,
है ना, एक्टिविटी के राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक्टिविटी की जा रही है, उसी को क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा, ठीक है ना, उसी क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, आई एम, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो आई एम रीडिंग बुक, तो रीडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीडिंग वर्ड जो यूज हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, ये वर्ब हो रहा है। जो भी एक्टिविटी की जाती है, द एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, द एक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी हम लोग एक्शन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द वर्ब, है ना। वर्ब क्या होता है, एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। एक्शन जो भी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे रन करना, ईट करना, प्ले करना, है ना, मूविंग करना, घूमना, रिवॉल्व करना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब। तो एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन जो किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। हमने पढ़ा नाउन, पढ़ा प्रोनाउन, पढ़ा जो नाउन और प्रोनाउन दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। नाउन कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो भी हमारे पास नाउन होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट जो एक्टिविटी करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या होता है वर्ब, नाउन क्या होता है, नाउन प्रोनाउन जो कंबाइंड होके वो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, दोज वर्ड्स विच टेल अबाउट दोज वर्ड्स विच टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ नाउन, दोज वर्ड्स विच टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ नाउन, those words which tell of quality of noun is called verb। ऐसे शब्द जो noun, noun की सॉरी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, सॉरी जो भी हमारे सब्जेक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शब्द जो हमारे क्या करते हैं सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे राम इज बैड बॉय, बैड होना उसका क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है ना, सॉरी एडजेक्टिव है। राम इज अ बैड बॉय है, तो बैड होना जो बैड वर्ड यूज हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, टाइप्स है ना, सब्जेक्ट हमारा कैसा है। सीता इज अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की है, ठीक है ना। जो यहाँ पे सीता के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ये क्या है, अच्छी लड़की है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेक्टिव बोलेंगे। राम इज अ डॉक्टर, राम के बारे में बताया गया वो डॉक्टर है ना, राम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया, सब्जेक्ट राम एक सब्जेक्ट है, सीता एक क्या है सब्जेक्ट है ना। जैसे नेक्स्ट वन क्या है, आई एम टीचर, नेक्स्ट वन लिखा जाए आई एम टीचर, तो जो टीचर वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब्जेक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे जो टीचर वर्ड यूज हुआ, डॉक्टर यूज हुआ, गुड यूज हुआ, ये सब क्या किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये सीता के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये राम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, और ये
मैं मेरे बारे में आई आई जो बोला गया, आई कोई भी हो सकता है ना, आई एम टीचर, तो इसमें क्या वो बोला जाएगा, ये सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ब बोला जाता है। ओके नेक्स्ट वन, जैसे क्या, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, यहाँ पे क्या है, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, ठीक है ना, यहाँ पे अर्थ के बारे में बताया गया है कि ब्लू प्लैनेट है ना, नीला प्लैनेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज अ, सपोज नेक्स्ट वन क्या है, दिस इज अ ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट बोल सकते हैं, ब्लैक शर्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या, ब्लैक शर्ट, तो शर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, शर्ट एक क्या है, नाउन है हमारा, शर्ट के बारे में बताया गया ब्लैक शर्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, क्या बताते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, एडवर्ब, एडवर्ब में क्या होता है, दोज वर्ड्स विच टेल अबाउट, दोज वर्ड्स विच टेल अबाउट क्वाल, टेल अबाउट वर्ब, ऐसे सब जो वर्ब के बारे में बताते हैं। अबे हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव क्या बोलता है, बोलता है सब्जेक्ट के बारे में बताता, अब ये एडवर्ब होता है वो किसके बारे में बताता है, वो डिस्क्राइब करता है वर्ब के बारे में, डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, डिस्क्राइब किया जाता है यहाँ पे वर्ब के बारे में, हमारी वर्ब कैसा है इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है ना, वो क्या बारे बोला जा रहा है, इसके बारे में, वर्ब के बारे में बताता है। सपोज यहां पे क्या लिखा, ही इज रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है या दौड़ता है ना, दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। जैसे यहां पे क्या, राम कैन रीडिंग फास्ट, राम कैन रीड फास्ट है ना, तेजी से दौड़ पढ़ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, बिल अच्छी तरह से पढ़ सकता है। तो जो भी वर्ड हैं, यानी कि वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन के बारे में बताते हैं, है ना, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, जो एक्शन के बारे में बताते हैं तो क्या बोला जाता है उसको, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोला जाता है हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। ओके हमने तीन चीज़ों में क्या पढ़ा, पहले नाउन पढ़ा हमने, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, सॉरी यस एडजेक्टिव, और क्या है, एडवर्ब, ये सब बेसिक चीजें थी, ठीक है ना, बेसिक पढ़ा भी, इनके भी टाइप्स होते हैं, है ना, नाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन का भी होता है, वर्ब का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नेक्स्ट वन क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन आर थिंग्स, ओके। प्रोनाउन क्या होता है, दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट इज नोन एज द वर्ब। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन, जो भी हमारे पास, जो भी अराउंड सारी चीजें दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, हमारे चारों तरफ जो चीजें दिखती है उसको क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, सिंपली जो उसकी प्लेस पे यूज होते हैं नाउन के, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा, नाउन और प्रोनाउन दोनों के द्वारा जो किया जाता है, जो एक्टिविटी की जाती है, उसको क्या वर्ब बोलते हैं। जो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि नाउन कैसा है, नाउन कैसा है, नाउन के बारे में बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं, सॉरी एडजेक्टिव बोलते हैं। एडवर्ब क्या बोलता है, जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है,
वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, एक्शन बताता है ना, ये क्या है, एक्शन बताता है। वर्ब में क्या बोलता है, हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन के बारे में जानते हैं, कैसा वो क्या कर रहा है, जैसे रोना, सोना, खाना, ये क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, ये वर्ब के अंडर में आते हैं। ये प्रोनाउन क्या होता है, आई बी यू दे, ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होता है, नाउन, नाउन जो भी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। तो ये बेसिक क्लास थी, ओके, एडवांस बाद में करेंगे।